अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन हूं। तू जो भी हो, तूने हमारी नंदनी को ऐसे देखने की हिम्मत कैसे की? हम तुझे मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कैसी औरत है तू सुमन? पहले मुझे इन बदनाम गलियों में घसीट लाई और अब बच्ची बनने का ढोंग कर रही है। मत कर, मेरे जैसे ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तूने बर्बाद कर दी होगी सुमन। तू शैतान है, शैतान। नंदनी सुनो, नंदनी। अब मैं पूछूंगा नहीं, बताऊंगा कि मैं हूं कौन। मैं हूं जेठ बिरजू दादा, इस इलाके का मालिक। तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा मिलेगी, बहुत गंभीर सजा दूंगा मैं तुझे। जाओ उस नंदनी को लेके आओ। और तू कहती थी ना कि मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे मैंने इसे खरीदा है और अब तो मैं इसे इन सब के सामने नचवाऊंगा और इस महफिल की रौनक बढ़ाऊंगा। देखता हूँ कि तुम क्या करती हो। चलिया हमारा फेवरेट गेम खेलता है, तैयार हो? चलो, एक दो तीन। अरे घबराना मत छोकरी, माया का निशाना बहुत तेज है, तुझे नहीं लगेगा, समझी? हुआ रे सुमनिया, लगी कि नहीं लगी? जा रे, तू भी जा। कहिए माया भाई, तुमने हमें बुलाया? हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है बताने के लिए कि सुमन, बहादुर होने में और बेवकूफ होने में बहुत फर्क होता है। तुमने जो बेवकूफी की है ना सारे आम लोगों के सामने, यहाँ के सबसे बड़े गुंडे के साथ दुश्मनी मोल लिया है, वो अपनी खरीदी हुई लड़की को छोड़ेगा नहीं, लेके ही रहेगा। और ऊपर से तुमने सबके सामने उसकी जो बेइज्जती की है ना, उसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। माया देखो, गलती हमसे हुई है तो उसकी सजा भी हमें दो ना प्लीज। नंदनी को कुछ मत करना, उसे जाने दो, उसे बख्श दो प्लीज। अरे कैसे जाने दे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मुजरा कौन करेगा? हाँ सुमनिया, कैसे माफ कर दे तुम्हें? हाँ अरे जाओ, क्या कर लेकर आओ उस लड़की को। मैंने नंदिनी और सुमन को हर जगह ढूंढा, उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है कि हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। अंजना जी, मुझे लगता है अंशुमन की बात मान लेनी चाहिए। कौन हो तुम लोग? मैंने पूछा कौन हो तुम लोग? सुनिए, ये सामान किसका है? अरे क्या है ये सब, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? अरे भाई बता के तो जाओ कि ये सामान भेजा किसने। हाय रे विधाता, ये घर में मातम बन रहा है और यहाँ पे भंडारे का सामान आ रहा है। यानी का हो रहा है इस घर में और इस बोरा में का है? नंदिनी, नंदिनी, बेटा कैसे है तू? कहाँ रह गई थी? कितना ढूंढा हमने तुझे, ठीक है ना बेटा? तो नंदिनी तू ठीक है ना?
ठीक है, कैसे बचते बचाते आए ऐसे बोरियों में डाल के लाना पड़ा तो ठीक है ना? अगर किसी ने हमें देख लिया होता ना तो हमारा तो डी एंड डी हो जाता, पर बच गए हम, बस लेकर आ गए। मैंने आज तक हर औरत की इज्जत की, लेकिन तू ना इज्जत के लायक है ना ही औरत कहलाने के। बोल सुमन का है, बोल। भाई ये क्या कर रहे हो आप? आपको पता भी है अगर आपकी बहन इस घर में वापस लौटी है तो बस इनकी वजह से। नंदिनी, तुम्हें इस जगह से छुटकारा दिलवाने का यही एक तरीका था। कान्हा जी करे कि अब तक तुम घर पहुंच गई हो, हमें कुछ और नहीं चाहिए। अगर आज मेरे इज्जत पे कोई दाग नहीं लगा था इनके वजह से, और आप दादी, थैंक यू सो मच दादी। बेटा बस, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? उठ जा बेटा, उठ जा। जितनी इज्जत तू हमारी करती है ना, कहाँ से पूरे परिवार को हमारी कदर होती ना, तो आज ये दिन दिखना नहीं पड़ता। तब प्यार करती है हमें, कसम कहते हैं, पतिदेव की कसम कहते हैं, हमने कभी इस परिवार का बुरा कभी सोचा ही नहीं, हमेशा भला ही सोचा है, और आप लोगों पर हर बात में हमें ही ब्लेम किए जाते हो। और बात रही आपकी प्यारी सुमन की, तो मैं बताती हूँ कहाँ है आपकी सुमन। तुझे पता है सुमन कहाँ है? पता नंदिनी, कहाँ है सुमन? आपकी सुमन एक कोटे की मालकिन है। मेरे साथ कहाँ है नंदिनी? उसे तो हमने बचा लिया, अब तक तो वो घर भी पहुंच गई होगी। आज दादी ना बचाती तो वो मुझे बेच जानती। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा। नंदिनी ये सब इस माया की चाल है, लेकिन अभी मैं तुझे कुछ बता नहीं सकता। उड़ गए ना आप सबके होश। मैंने कहा था ना आप सब मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, पर मैं अपने आंखों से देखकर आ रही हूँ। आपकी सुमन उस कोटे की मालकिन और एक तबायफ है। यही सच्चाई है भाई आपकी सुमन की, बहुत ही घटिया, बहुत ही गिरी हुई औरत है। नंदिनी, हमें काहे घूर रहे हो? हमने सब नहीं किया। हाँ, हर कांड में हमारा हाथ होना जरूरी नहीं है। हमने कुछ नहीं किया। आप नंदिनी से पूछ लो साफ साफ। नंदिनी कहाँ है सुमन? नंदिनी मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ है सुमन? मुझे क्या पता सुमन कहाँ है? मैं जब गई थी मेरे आंखों पे पट्टी था, और जब आई तो इस बोरे में आई हूँ, तो मुझे क्या पता।